ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है, जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको इस 30 मिनट में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज बच्चे कहानी सुनेंगे, कहानी के बाद एक गीत और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र शास्त्र यानी बाइबल से परमेश्वर का वचन होगा। तो श्रोताओं, आइए बच्चों की कहानी सुनने से पहले इस गीत को सुनते हैं।
शिष्य की पोटली नामक कहानी सुनेंगे। एक शिष्य ने अपने गुरु से दीक्षा ली और उपासना में लग गया। कुछ दिनों के बाद वह गुरु से बोला, गुरुदेव, दीक्षा तो मैंने ले ली, किंतु न जाने क्यों मेरा मन शांत नहीं रह पाता, ना ही आराधना में लग पाता है। गुरु ने शिष्य को ध्यान से देखा। उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि उसका मन एकाग्र क्यों नहीं हो पाता है। वह उसे देखकर बोले, सच कहते हो वत्स, यहां तो ध्यान लगेगा भी नहीं, यह जगह ठीक नहीं है, चलो कहीं और चलकर साधना करते हैं, शायद वहां ध्यान लग जाए। हम आज ही सूर्यास्त के बाद यहां से कहीं और चलेंगे। यह सुनकर शिष्य शाम के समय गुरु के साथ वहां से दूर चल पड़ा। गुरु बिल्कुल खाली हाथ थे, लेकिन शिष्य के पास एक पोटली थी जिस पर बार बार उसका ध्यान लगा हुआ था। गुरु शिष्य की नजरों को लगातार परख रहे थे। एक जगह नदी देखकर उन्होंने अपने शिष्य से कहा, बहुत प्यास लगी है, जरा पानी तो लेकर आना। गुरु का आदेश सुनकर शिष्य पोटली को साथ लेकर पानी लेने के लिए जाने लगा तो गुरु बोले, अरे ये पोटली लेकर क्यों जा रहे हो,
अगर पानी में डूब गई तो? इसे मुझे दे जाओ। संकोच के साथ शिष्य ने पोटली को गुरु के पास थमा दी और नदी की ओर मुड़ गया। तभी उसे नदी में कुछ फेंके जाने की आवाज आई। उसने देखा कि उसकी पोटली पानी में तैरती जा रही है। यह देखकर वह बेहदवास सा गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरी पोटली? उसमें सोने की 1000 अशरफियां थी। इस पर गुरु मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुम्हारा मन एकाग्र इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि ध्यान करते समय तुम अशरफियों के लोभ से घिरे जाते थे। अब हम यही चलते हैं जहां से आए हैं। अब तुम वहां भी एकाग्र होकर ध्यान कर पाओगे। यह सुनकर शिष्य लज्जित हो गया। दोनों वापस लौट आए। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं या फिर स्वास्थ्य विषय पर पत्राचार द्वारा अध्ययन करना चाहते हो तो हमें इस पते पर लिखें, वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। श्रोताओं, इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने, आइए ये गीत सुनते हैं। इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। दुश्मन पर भी सब कुछ लो।
सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे अच्छा चरवाहा के बारे में। मुक्ति दाता ने स्वयं को चरवाहा कहा, कितनी बड़ी बात है। अपने शिष्यों को भेड़ों का झुंड बताते हुए कहा, यूहन्ना 10 उसका 14 पद में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़े मुझे पहचानती है। मसीह शीघ्र ही अपने शिष्यों को छोड़कर जाने वाला था, इसलिए उसने उनको शांति देने के लिए यह वचन कहे, ताकि जब वो उनके साथ ना रहे तो वे उनके वचनों को स्मरण रखें। जब कभी वे किसी चरवाहे को अपनी भेड़े चराते देखते थे तो उनको अपने प्रति मुक्ति दाता का प्रेम और उसके सब स्मरण हो जाते थे। उस देश में चरवाहे रात दिन अपने झुंड की रखवाली करते थे। चरवाहा भेड़ों और जंगलों और पहाड़ी स्थानों से निकालकर हरी भरी सुखदाई चरागाहों में ले जाता था, जहां जल की धाराएं बहती थी। वो समस्त रात्रि जंगली पशुओं तथा डाकुओं से उनकी रक्षा करता था, जो प्रायः उनकी ताक में घूमते रहते थे। वो रोगी तथा दुर्बल भेड़ों का विशेष ध्यान रखता था। छोटे मेमनों को वो अपनी गोद में उठाकर ले जाता था। भेड़ों का झुंड चाहे जितना बड़ा हो, वो झुंड की प्रत्येक भेड़ को जानता था। वो प्रत्येक भेड़ का नाम रखता था, प्रत्येक को उसके नाम से संबोधित करता था। इसी प्रकार मसीह, जो स्वर्गीय चरवाहा है, अपने झुंड की रखवाली करता है, जो समस्त विश्व में बिखरा पड़ा है। वो हम में से प्रत्येक के नाम से परिचित है, वो हम में से प्रत्येक के घर से परिचित है और हमारे घर के प्रत्येक सदस्य को जानता है। वो हम में से प्रत्येक की ऐसी देखभाल करता है जिसे कि संसार में दूसरा कोई व्यक्ति ना हो। चरवाहा अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता था और इस प्रकार सभी खतरों का सामना करता था। वो बनेले हिंसक पशुओं का सामना करता था, डाकुओं से भी लोहा लेता था। कभी कभी चरवाहा अपने भेड़ों की रक्षा करते समय मारा भी जाता था। इसी प्रकार मुक्तिदाता अपने शिष्यों के झुंड की रक्षा करता है। वो हमारे आगे आगे चल कर गया है। वो उसी रूप में पृथ्वी पर रहा जैसे हम चाहते हैं या हम रहते हैं। वो बालक था, फिर नवयुवक हुआ और फिर पुरुष बना। वो शैतान और उसकी परीक्षाओं पर प्रबल हुआ। इसी प्रकार हम भी उस पर प्रबल हो सकते हैं। वो हमें बचाने के लिए मरा, यद्यपि
अब वो स्वर्ग में है, वो हमें एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता, वो अपनी प्रत्येक भेड़ को सुरक्षित रखेगा। जो लोग उसके पीछे चलते हैं उनमें से एक भी उस महान शत्रु के हाथ में नहीं पड़ सकता। एक चरवाहे के पास 100 भेड़े हो सकती है, परंतु यदि उनमें से एक खो जाती है तो वो शेष भेड़ों के पास नहीं ठहरता, वो खोई हुई भेड़ को खोजने निकल पड़ता है। अंधेरी रात्रि में, आंधी तूफान में, पहाड़ों घाटियों में वो उस भेड़ को खोजने के लिए निकल पड़ेगा और तब तक विश्राम नहीं लेगा जब तक उसको भेड़ ना मिल जाए। फिर वो उसको गोद में उठा लेता है और शेष झुंड में से उसे ले आता है। वो अपनी लंबी थका देने वाली खोज की कोई शिकायत नहीं करता, परंतु प्रसन्नता पूर्वक कहता है, जो लूका 15:4-6 में लिखा है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। इसी प्रकार हमारा मुक्तिदाता चरवाहा उन्हीं की रखवाली नहीं करता जो झुंड में है। वो कहता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और बचाने के लिए आया। मत्ती 18:11। मैं तुमसे कहता हूं, इसी रीति से एक मन फिराने वाली पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। लूका 15:7। हमने पाप किया है, हम परमेश्वर से दूर भटक गए हैं। मसीह कहता कि हम उन भेड़ों के समान हैं जो अपने झुंड से दूर भटक गए हो। वो हमें पाप से बचाने के लिए आया, वो हमें झुंड में वापस बुला रहा है। जब हम चरवाहे के साथ वापस लौट आते हैं और अपने पापों को त्याग देते हैं तो मसीह स्वर्ग में अपने स्वर्गदूतों से कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मेरे मित्रों, क्या आप परमेश्वर के उस खोए हुए भेड़ हैं जो भीड़ में खो गई है? तो आज आप अपना जीवन परमेश्वर को दें ताकि परमेश्वर आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से खोज के निकाले। मेरे मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप इस दुनिया की भीड़ में ना खोएं, बल्कि अपना जीवन परमेश्वर को दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं प्रभु अपने खोए हुए जीवन को लेकर। खुदावन, जो भीड़ में खो गई है, इस दुनिया में खो गई प्रभु, हम चाहते हैं कि तू हमें अपने पनाह में रख और परमेश्वर हमें स्पर्श कर ताकि हम अपनी खोई हुई अवस्था को जान सके और नाश ना हो। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर कभी भी किसी भी समय फोन कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। आप हमारे कार्यक्रम को ऑनलाइन में भी सुन सकते हैं। मेरा पता है AWR हिंदी एशिया। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर
आपको आशीष दे। फूलों से भर दो प्रभु ने तुमको, माफ किया तुम भी सबको माफ कर दो, अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं, अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य लिखें। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवनधारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्टबॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। श्रोताओं, अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इस मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।